हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कोरोना वायरस पे। सो कोरोना वायरस क्या है? एक बहुत ही आजकल जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, चाइना में वायरस जो भी फैला है, जिसकी वजह से आई वाज रीडिंग टुडे 105 डेथ्स जो हैं अभी तक रिकॉर्डेड हो चुकी हैं। सो क्या है ये वायरस, कैसे ये फैलता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे हम अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो देखिए, ये 31 दिसंबर को बहुत ज़्यादा केसेस निमोनिया के रिकॉर्ड हुए थे वुहान सिटी चाइना में, जिसके बाद 7 जनवरी को ये पता लगाया गया था चाइनीज अथॉरिटीज से कि एक न्यू काइंड ऑफ वायरस जो है वो आया है, जिसको हमने नाम दिया है कोरोना वायरस। और ऐसा वायरस पहले कभी भी किसी और जगह पे नहीं देखा गया, न्यू वायरस है ये। इसके सिम्टम्स दे आर वेरी सिमिलर टू द अदर वायरल डिजीजेस, कफ है, खांसी होना, जुकाम होना, रनिंग नोज, देन देर इज सोर थ्रोट, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, देन फीवर हो सकता है इसमें। सो ये वेरियस सिम्टम्स है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के सिम्टम्स, सांस लेने में मुश्किल होना, दैट इज समथिंग बहुत कॉमन है इस वायरल डिजीज में, कोरोना वायरस में। सो आपको कैसे पता लगेगा इस वायरस डिजीज का, और क्या आपको क्या प्रिकॉशंस क्या लेने हैं इसकी प्रिवेंशन के लिए? सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन में अपने हैंड वॉश जो है बार बार करें, हाथ बार बार धोएं, और मिनिमम 20-30 सेकेंड्स के लिए अपने हाथ धोएं विद सोप एंड वाटर। एंड देन अगर आपकी कोई अभी रिसेंट हिस्ट्री रही है, आप कोई चाइना के किसी सिटी में जाके आए हैं और उसके बाद आने के बाद आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो काइंडली यू गो एंड कंसल्ट अ मेडिकल फिजिशियन, फिजिशियन के पास जाएं और उसको कंसल्ट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके अलावा थर्ड बहुत ईजी तरीका है कि अपने घर में आप एक एंटीसेप्टिक काइंड ऑफ थिंग बना सकते हैं। 1 लीटर पानी लें, 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून ऑफ ब्लीचिंग पाउडर जो एक एंटीसेप्टिक है वो डाल सकते हैं उसमें। वो डालने के बाद आप उसका स्प्रे करें घर में, सो दैट विल एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक और वो आपको बचाएगा भी इस वायरस से भी, एंटीवायरल भी एक्ट करेगा वो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया ये आप मिक्सचर आप घर पे ही बना सकते हैं। इसके अलावा यू डोंट हैव टू कंज्यूम मीट, स्पेशली इन दिनों में थोड़ा सा मीट कंजम्पशन अपनी कम करें, बाहर से ज़्यादा ना खाएं, जो भी पैकेज फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसको आप बंद करें, कम करें लेना। और उसके अलावा आपने ये थोड़े से चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है, और मान लीजिए अगर आप में सिम्टम्स आ रहे हैं, छींकें आ रही हैं आपको या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप थोड़ा मास्क से अपने आप को कवर करके रखें ताकि बाकी लोगों को ना हो जाए, और अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। इसके अलावा अपने हाथ मुंह पे, आंखों पे, नाक में बार बार ना लगाएं, क्योंकि आपके हाथ हाथ जो हैं दे आर द कैरियर ऑफ जर्म्स, तो आप अपने मुंह के आसपास जितना लगाएंगे उतना ही ज़्यादा इसके होने के मतलब कोरोना वायरस जो है स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर वैसे तो ये इंडिया में अभी है नहीं है, बट एक्चुअली देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रेवल हिस्ट्री, लोग इधर चाइना से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो माइट बी इन द नियर फ्यूचर हो सकता है ये इंडिया में स्प्रेड हो जाए। जितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी रहेगी उतना अच्छा आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं इस वायरस से। ये वायरस की प्रिवेंशन डेफिनेटली पॉसिबल है। एंड एज फार एज होम्योपैथी इज कंसर्नड, होम्योपैथी में भी कुछ मेडिसिन हैं जो हम देते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, उसमें जैसे बेलाडोना है, रस्टॉक्स है, देन यूपिटोरियम है, ये फ्यू ऑफ द मेडिसिन है। आप किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाएं अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, एंड ही और शी विल प्रिस्क्राइब यू अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। एंड साथ के साथ बहुत ज़्यादा पानी पिएं, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। जितना ज़्यादा आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे उतनी ज़्यादा ही आपकी बॉडी में जो है इसके लिए इम्यूनिटी बनी रहेगी वायरस में। वायरल डिजीजेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी ड्राई स्टेट में ना हो, हाइड्रेटेड स्टेट में उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी जो है अगेंस्ट द वायरल डिजीजेस रहती है। मुझे लगता है आपको ये वाली वीडियो जो मैंने कोरोना वायरस के अगेंस्ट बनाई है आपकी प्रिवेंशन के लिए आपको बहुत फायदेमंद रहेगी। अगर आपको फायदेमंद रहती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें एंड लाइक दें। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, स्टे स्माइलिंग, स्टे शाइनिंग एंड बाय बाय।